ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर के ठीक सटे ये स्थान है, जो सुरक्षा से भी बहुत महत्वपूर्ण है और वहाँ के रहने वालों को, खास करके जो वहाँ ड्यूटी करते हैं पुलिस के लोग बेचारे, वो भी घायल हैं। उसमें उनकी महिला को भी चोट लगी, महिला सिपाही को एक कैजुअल्टी भी हो गई। हम सब लोग ये निश्चित पहले से अनुमान था कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर में जो बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल इन्होंने किया, जिस तरीके से वाइब्रेटर लगाकर तोड़े गए मकान, तो उससे पूरे अगल बगल के एरिया के पूरे वाइब्रेशन से न्यू हैं सबके मकान हिल गए, और वो मकान सैकड़ों साल पुराने हैं, उनका इतिहास 100 साल 200 साल 400 साल पुराने हैं। तो निश्चित तौर से पूरा का पूरा भी ये विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद ये पहला परिणाम आया ऐसा कि जिससे एक पूरी बिल्डिंग वो गिर गई, कोलैप्स कर गई थोड़े से बरसात में। और ये परिणाम केवल जो विश्वनाथ कॉरिडोर में जो इन्होंने बड़े मशीनों का इस्तेमाल किया मकान तोड़ने के लिए, उसका परिणाम है, ये दुष्परिणाम है। और अगर ये इन लोगों ने अगर अनुमति मांगी थी तो प्रशासन की पूरी गलती है। और निश्चित तौर से बनारस के अंदर आज आप देख सकते हैं कि वायनाड में राहुल जी वहाँ पहुँच गए पूरी टीम के साथ, वहाँ रेस्क्यू उसमें लगे हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, और अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद प्रधानमंत्री जी की तरफ से या प्रधानमंत्री जी स्वयं आने चाहिए मोदी जी को कि आकर इसमें तत्काल, क्योंकि वो काशी के लोग हैं जिन्होंने 3-3 बार उनको सांसद बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, जरूर आना चाहिए। और उनको कम से कम 1 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति, जो मरे हैं और जो घायल हैं उनके इलाज के लिए कम से कम 25-25 लाख रुपए दिए जाए, और उनको बाकायदे मकान बनवा के यहाँ का प्रशासन उनको दे, क्योंकि अब रहेंगे कहाँ, उनके पास रहने की अब समस्या हो गई है।